देखने वालों को हमारी तरफ से, जावेद न्यारी वालों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पे। आई होप के आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम आए हुए हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह, कराची की बहुत ही मशहूर। मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही है जावेद निहारी, और ये मेरी पाकिस्तान सीरीज़ की पहली वीडियो है। आई होप के पाकिस्तान सीरीज़ जो है वो हमारी सक्सेसफुल जाएगी, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान में टूर करने के लिए, यहाँ के फूड का व्लॉग बनाने के लिए। तो आज हम बनाते हैं हमारी पहली वीडियो जावेद निहारी की। तो मैंने सुना था जावेद निहारी के बारे में, तो मैंने सोचा कि चल के जावेद निहारी का रिव्यू किया जाए, फूड देखा जाए, टेस्ट किया जाए और उसकी प्राइसेस भी आपसे शेयर की जाए। चल के देखते हैं। बाहर से मुझे काफ़ी इनका बड़ा सेटअप लग रहा है, इनके आप नाम देख सकते हैं, लाइटिंग काफ़ी इन्होंने की हुई है। ये एक्चुअली इनकी नई ब्रांच है, इससे पहले ये चोर एरिया में है, वहाँ पर ये काफ़ी फेमस हुए हैं। अब ये भादराबाद का एरिया है, यहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर ये जावेद की निहारी। तो आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर और हम देखते हैं कि क्या क्या फूड ऑफर करते हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं। तो चलें अंदर चलते हैं।
ये तो दोस्तों इस वक्त है जावेद लिहारी पे, जो कि कराची में है, हैदराबाद पे, और इस वक्त मेरे साथ सैयद अली साहब है, जो कि इस होटल के मैनेजर है। हम बात करते हैं सैयद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को। कब स्टार्ट किया ये ब्रांच? अच्छा, मुझे पता चला है कि ये ब्रांच जो है, इससे पहले दूसरी ब्रांच भी आपकी कहीं और कराची में? हमारी पहली ब्रांच, बड़ी ब्रांच जो है 15 नंबर पेडल भी एरिया ब्लॉक 15 में। ओके, और ये ब्रांच कहाँ पर है? ये है भादराबाद के इलाका ही, भादराबाद जी। इस ब्रांच को हमारी 5 साल हो गए, और जो हमारा कराची के अंदर मतलब जो काम है उसको तकरीबन 45 साल हो गए। अच्छा, 45 साल से आप? 40-45 साल हो गए तकरीबन हाजी साहब को काम करते हुए। और यहाँ मतलब भादराबाद में आपका रिस्पॉन्स कैसा है, बिजी रहता है ये? जी जी बिल्कुल, आपके सामने ही है, काफ़ी बिजी है। और अच्छा, यहाँ क्या आप ये बताएंगे कि आप क्या क्या ऑफ़र करते हैं कस्टमर्स को? ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास काफ़ी सारे आइटम हैं जो कि दस्तगीर में नहीं है। हमारी मेन ब्रांच में हमारे पास हलीम भी है, और बिरयानी, पुलाव, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, हलीम, इसके अलावा हमारी नियाजी तो आपने ट्राई की होगी। और डिज़र्ट में मीठे में क्या ऑफ़र करते हैं? खीर और रबड़ी होती है हमारे पास, हमारी खीर और रबड़ी एवन यहाँ पे भादराबाद मतलब दस्तगीर में 7-8 साल से हम लोग खीर और रबड़ी हमारे पास है। और अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं जावेद निहारी पे आया हूँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम कस्टमर आए आपके पास, तो आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या चीज़ ट्राई करें आपके? ठीक है, हमारी तो वैसे तो सभी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये कि मेन जो हमारा स्पेशल आइटम है वो निहारी है, वो निहारी ट्राई करें। आते हैं काफ़ी लोग, आते हैं बाहर से भी आते हैं, मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो बाहर से आया हो यहाँ जावेद निहारी ना आता। बिल्कुल, निहारी बनने में वैसे आमतौर पे कितना टाइम लगता है? 7-8 घंटे लगते हैं। 7-8 घंटे निहारी को तैयार होने में, तो मतलब यहाँ जब स्टार्ट करते हैं उससे 7-8 घंटे पहले आप निहारी बनाने स्टार्ट कर देते हैं? जी जी, सुबह की जो हमारी निहारी होती है वो रात को चढ़ाई जाती है, जो सुबह देख खुलनी होती है, और जो सुबह बकती है वो फिर शाम में खुलती है। मैं देख रहा हूँ कि जो आपका सेटअप है काफ़ी बड़ा है, 2 फ्लोर्स पर है, नीचे है और ऊपर है, तो आपके पास कितना मतलब स्टाफ है इसको कंट्रोल करने के लिए? हमारे पास तकरीबन 100 के करीब लोग होंगे। 100 के करीब लोग हैं सिर्फ इस वाली ब्रांच पे या दोनों में? नहीं नहीं, इस वाली ब्रांच, सिर्फ इस पे। इस पे निहारी वाले हैं, तंदूर वाले हैं, वेटर्स हैं, काउंटर वाले हैं, कैश काउंटर। हाँ, मेरे व्यूवर्स को आप कुछ पैगाम देना चाहें जो यहाँ आना चाहते हैं? आए, इंशाल्लाह इंजॉय आपने किया, आपको भी मज़ा आया, हमको भी मज़ा आया। चलो ठीक है अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, और आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे यहाँ काम करना, क्योंकि आज मैं आया हूँ, मैंने काफ़ी इंजॉय किया है, खाना आपका बहुत ज़बरदस्त है, एटमॉस्फेयर आपका बहुत ज़बरदस्त है, आई होप कि आप यहाँ जो जॉब है इंजॉय कर रहे होंगे बहुत। अच्छा, ये जो है ये निहारी है? जी, ये ग्रेवी है। ये ग्रेवी है जी। ओके, और वो सब क्या है? ये नली है। ये नली है? हाँ, वो मगज निहारी। ये क्या है? मगज है, मगज है। किस चीज़ का मगज है? ये भरे भरे ये तेल है निहारी का, होगा निहारी का होगा नहीं है। ओके, और ये देसी घी है।
सब देखने वालों को हमारी तरफ से जावेद न्यारी वालों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, आगे फॉलो करो भाई। तो दोस्तों ये था नीचे का पोर्शन जहाँ पर के नॉर्मल कस्टम जो कस्टमर्स बैठते हैं। अब हम चलते हैं अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स इनके फैमिली हॉल है। ये आप देख रहे हैं, ये स्टेयर जाती है फैमिली हॉल की तरफ, जहाँ पर के फैमिलीज बैठती है। इस वक्त भी काफ़ी बिजी है। हम चलते देखते हैं कि हमारी टेबल कहाँ है और क्या खाना जब ऑर्डर करते हैं। ये इनके कुछ एडवर्टीजमेंट है जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है। ये पहले क्या चीज़ है? ये सपोरा खीर है, पेयर है, पेयर होते हैं। इसके अलावा ये रबड़ी है हमारी, ये प्याला खीर है। ये तो दोस्तों इस वक्त हम बैठे हैं, हमारे साथ एक कस्टमर हैं जावेद निहारी के, जिन्होंने कि अभी अभी अपनी निहारी जो है वो ख़त्म की है और इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ का टेस्ट है वो कैसा लगा। तो आप अपना नाम बताएंगे सबसे पहले? अच्छा, मेरा नाम है और कराची में ही रहता हूँ।
वीकली या मंथली एक टूर होता है जब दिल दिल चाहता है निहारी खाने का। तो जावेद निहारी आप सबको पता ही होगा कितनी फेमस निहारी है कराची की। तो बस सबके साथ आ गया फैमिली मेम्बर्स को लेके, सबको ही पसंद है निहारी, सी फूड, बारबेक्यू, फास्ट फूड, सब वो सब एक जगह। लेकिन जो ये एशियन फूड है ना, और वो जिसमें निहारी फास्ट है, वो तो फिर उसके आगे तो फिर सब फेल हो जाता है। और फिर जब जावेद निहारी की बात आए तो फिर कुछ और सोचता ही नहीं है ना। निहारी के अलावा आपको क्या पसंद है यहाँ? निहारी के अलावा यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है। बिरयानी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी सर्दियाँ है और बिरयानी तो फिर खाते ही रहते हैं, लेकिन निहारी जो है उसका ही सोच के निकले थे, प्लान करके निकले थे, तो वो अभी हमने एंजॉय की। तो निहारी के अलावा डेजर्ट जो यहाँ पे मीठे है उसमें कभी आपने कुछ ट्राई किया? ट्राई किया मैंने, अभी भी खीर खाई है यहाँ पे, लेकिन बस वो एक जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है खाने के बाद, बस उसी पर्पज के लिए, बाकी इतना कोई फास्ट है नहीं मीठा। जी तो दोस्तों हमारे साथ एक और कस्टमर है जिनसे मैंने बात करनी है यहाँ के फूड के वाले से। तो हमारे साथ है, नाम बताइए अपना। मेहताब साहब। तो आप फर्स्ट टाइम है आपकी या पहले आ चुके हैं? नहीं, आ चुका हूँ, पहले भी आ चुका हूँ। कितना मतलब क्या रेटिंग करेंगे आप, कैसी है यहाँ की? ये तो स्पेशल है यहाँ की कराची की न्यूज़ जो है ना, जावेद निहारी स्पेशल है, तो हम अक्सर यहीं आते हैं। तकरीबन 4-5 साल से आना होता भी पसंद है आपको? बहुत पसंद है। कौन कौन सी चीज़ें जो यहाँ की आपको? बस स्पेशल नहारी है, हम यहाँ नहारी खाने आते हैं, तो वो मगज नहारी और नली नहारी स्पेशल इनके है, सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, वो हम लेते हैं। माशाल्लाह मज़ा आता है, हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको भी हम यही लेवल करते हैं कि यही लें, तो माशाल्लाह वो भी मज़े से। जो हमारे व्यूवर्स हैं आप उनको एडवाइस करेंगे कि वो भी यहाँ आए और ट्राई करें यहाँ? बिल्कुल जी, ये तो फेमस है कराची की, जावेद निहारी फेमस है बहुत, और ये इनकी दो ब्रांचें हैं, एक भादराबाद में है एक हुसैनाबाद में है, दोनों जगह माशाल्लाह रश होता है, काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल आए, बिल्कुल वेलकम यहाँ आए, बहुत अच्छी निहारी है यहाँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका टाइम। थैंक यू। ये तो दोस्तों अभी अभी हमने अपना फूड खाया है, बहुत ज़बरदस्त, जैसा कि आपने देखा भी फूड का कलर, फूड की अपेयरेंस थी बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। जो कस्टमर्स हैं उनसे मैंने बात की है, बहुत हैप्पी है, और मैं भी आपसे कहूँगा कि कराची में अगर आप हैं, अगर आपका कराची का विजिट हो तो लाजमी जावेद निहारी पे आइएगा, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। उनको यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे हम मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।